नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन से बीके निर्मला दीदी की मुलाकात। ग्लोबल समिट 2022 के लिए दिया निमंत्रण। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर पर युवाओं के लिए 2 दिवसीय रिट्रीट। स्वरक्षक बनने के लिए बीके आशा दीदी ने किया प्रेरित। पुणे के जगदम्बा भवन में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए रिजुवनेटिंग मेडिकल माइंड विषय पर सम्मेलन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मेडिकल विंग का संयुक्त आयोजन। और कल तरुण प्रोजेक्ट के तहत जारी है कार्यक्रमों का सिलसिला। वृक्षारोपण के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को कर रहे हैं एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन से रांची के हरमू रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला दीदी ने मुलाकात की और सितंबर मास में संस्था के मुख्यालय में होने वाले ग्लोबल समिट 2022 के लिए आमंत्रित किया, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष स्वीकार करते हुए आने का आश्वासन दिया। इसके पश्चात बीके निर्मला दीदी ने हेमंत सोरेन जी को तिलक लगाकर राखी बांधी। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में युवाओं के लिए आयोजित 2 दिवसीय रिट्रीट में 200 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। ORC की निदेशिका बीके आशा दीदी ने जीवन में सफलता पाने के लिए जिन 2 जरूरी बातों की ओर सबका ध्यान खिंचवाया वो ये हैं। जो पहली चीज है वो आपका डिसीशन है। कि आप अपना जीवन कैसा बनाना चाहते हैं, आपके ऊपर है। जो जीवन आप अपने लिए सिलेक्ट करते हैं उस जीवन के प्रति फिर समर्पण होना है। ऐसे ही मैजिक ऑफ मेडिटेशन विषय पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके आशा दीदी और ORC की फैकल्टी ने NCR से आए लोगों को राजयोग मेडिटेशन से मिलने वाले लाभों को बताते हुए राजयोग का प्रशिक्षण लेने की बात कही। मैजिक तब होगा जब मैं उस सत्य को पकड़ लूं, वो ट्रिक समझ लूं जहां से मैजिक होने वाला है। आप करके देखिएगा, आज रात को आप हैं यहाँ, आज चलते फिरते घूमते कभी भी आप, लेकिन थोड़ा सा अकेले। इसके अलावा ORC में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए भी वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें मुंबई से कॉर्पोरेट ट्रेनर प्रोफेसर BK EV स्वामीनाथन ने सेवाओं द्वारा दुआएं कमाने के लिए प्रेरित किया। कभी टाइम मिलेगा ना तो ये लेक्चर तो सुनते रहेंगे, बहुत यूट्यूब में मिलता है। यहाँ के रोटी बट डिपार्टमेंट में अभी 5 बजे होगा, सारी माताएं रोटी डिपार्टमेंट में आएगी, उनको बड़े प्यार से पूछना कितना पेमेंट मिलता है, तो बड़े खुशी से कहेंगे हम ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं और आपका नाम भी लेंगे। आज सुबह अनाउंसमेंट हुआ था, मिनिस्ट्री से लोग आ रहे हैं। भाई आपने तो देखा ही नहीं, वो माताएं बोली बोली माताएं आपको देखा ही नहीं। बोला नहीं, हमने उनको बहुत प्यार से चपाती बनाई, वो बहुत दुआएं देंगे और दुआओं से हमारा जीवन पलता है। दुआएं, ब्लेसिंग्स। बीमारियों से ग्रसित मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स को भी आजकल तनाव होने लगा है। अपनी व्यस्त दिनचर्या में डॉक्टर्स ऐसा क्या करें कि वो तनाव मुक्त रह सके, इसी बात पर विचार विमर्श करने के लिए पुणे के जगदम्बा भवन में संस्था के मेडिकल प्रभाग और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सहयोग से रिजुवनेटिंग मेडिकल माइंड विषय पर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें IMA अध्यक्षा डॉक्टर मीनाक्षी देशपांडे, डॉक्टर अलका शीरसागर, मेडिकल प्रभाग के कार्यकारी सदस्य डॉक्टर सचिन परब, जगदम्बा भवन की निदेशिका बीके सुनंदा, डॉक्टर मनोज मतनाणी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके दशरथ और डॉक्टर सुषमा लाट समेत चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कई लोग मौजूद रहे और विषय पर चिंतन मंथन किया।
many doctors come under this stress relieving procedures. Whatever they will be teaching us will be all stress relieving, especially for medical minds, because medical minds think alike and they think differently than other normal population. Because they have got many things to worry. They worry about their patients, they worry about their relatives, they worry about their hospital staff, but they don't worry about themselves. Prajapita Brahma Kumaris, this is a spiritual organization which really teaches us and which has been working through 149 countries through its 8,000 centers. इस दौरान डॉक्टर मनोज मतनाणी ने सभा में मेडिकल प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे विहासा प्रोजेक्ट के विस्तार से जानकारी दी और डॉक्टर सचिन परब ने कहा कि तनाव और तन की बीमारियों को मन के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। We are responsible for stress in life because of whatever reasons, and we are the ones who can manage our stress. Can we or can't we? We can. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बीके सुनंदा दीदी ने परमात्मा से मिलने वाली मुख्य तीन बातों का जिक्र करते हुए राजयोग मेडिटेशन को दिनचर्या में शामिल करने का आग्रह किया। यहाँ आए हुए हर इंसान को पहले अच्छा इंसान बनाया जाता है, फिर आगे उसे लक्ष्य दिया जाता है कि अनेक दैवी गुणों को धारण कर तुम एक बेहतर विश्व निर्माण करने के लिए मददगार बनो। पर्यावरण की रक्षा करना हर उस व्यक्ति का मूल कर्तव्य है जो इस धरती पर सांस ले रहा है, और आप इस कर्तव्य को सिर्फ एक पौधा लगाकर एवं उसकी सुरक्षा करके कर सकते हैं। इसी जागरूकता को लेकर ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट कल तरु के अंतर्गत देश भर में संस्था से जुड़े सदस्य वृक्षारोपण करके अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। चलिए इसी प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ खबरें हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले चलते हैं राजस्थान, जहां जयपुर के सोडाला सेवा केंद्र द्वारा भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक कालीचरण सराफ, उद्यान समिति की चेयरपर्सन राखी राठौर बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सोडाला सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्नेह दीदी ने इस मौके पर कहा कि पौधों की सेवा करने से आंतरिक खुशी मिलती है, तो वहीं विधायक कालीचरण जी ने कहा कि प्रकृति के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा चलाए गए अभियानों में भी ब्रह्मा कुमारी संस्था सबसे आगे है। जब आप वृक्ष लगाएं अपने घर में, जैसे हम बच्चे का लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार से वृक्ष का यदि लालन पालन 2 साल तक करोगे, ज्यादा की जरूरत नहीं है, फिर तो वो अपने आप बढ़ जाएगा। 2 साल तक अपने बच्चे के लालन पालन के अनुसार यदि हम उसका लालन पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से अभी तो हम लालन पालन करेंगे, फिर 2 साल बाद वो आपका लालन पालन करेंगे। ऐसे महाराष्ट्र के लातूर में स्वामी विवेकानंद पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं ब्रह्मा कुमारीज लातूर सेवा केंद्र के सहयोग से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा, सह संचालिका बीके पुण्या, आयुक्त अमन मित्तल, बीजेपी युवा नेता अजीत सिंह पाटिल, बीके प्रमोदिनी पाटिल और बीके प्रयाग ने जीवन में मूल्यों के महत्व की ओर विद्यार्थियों का ध्यान खिंचवाते हुए वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में देखिए एक और खबर महाराष्ट्र की, जहां अहमदनगर स्थित साइबन में मधुबन बीके पाठशाला की जहां आयोजित कार्यक्रम में मधुबन से पहुंचे बीके श्रीनिधि, बीके शांतनु, पुणे जगदम्बा भवन से आए बीके भास्कर, अहमदनगर सेवा केंद्र की संचालिका बीके राजेश्वरी, साइबन में मधुबन बीके पाठशाला संचालिका बीके डॉक्टर सुधा काकरिया, रोटरी क्लब अहमदनगर के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जाधव, सरपंच प्रियंका लामखेड़े, समाज सेवक सुबह लालजी सिंघवी, आनंद ऋषि जी नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल शितवाड़े मुख्य रूप से मौजूद रहे। बीके शांतनु ने कॉमेंट्री द्वारा वृक्षों को सकाश दिलवाई और प्रति व्यक्ति एक पौधा लगाने से प्रकृति के संरक्षण में मिलने वाले लाभों को स्पष्ट किया।
अब खबर मध्य प्रदेश की, जहां छतरपुर के विश्वनाथ कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा पैप्टिक टाउन बुंदेलखंड उच्च माध्यमिक महाविद्यालय और रघुनंदन विहार कॉलोनी में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें पैप्टिक टाउन में छोटे छोटे बाल बालिकाओं और महिलाओं ने मिलकर शांतिपूर्ण रैली निकालते हुए आसपास के निवासियों से वृक्षारोपण में सहयोगी बनने का आह्वान किया। तो वहीं उच्च माध्यमिक महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रिंसिपल राजकुमार अर्जरिया और बीके भाई बहनों सहित अनेक गणमान्य लोगों की उपस्थिति में आम, नींबू, अमरूद, अशोक, नीम, कचनार, आंवला पदम, जामुन, अनार जैसे 75 से भी अधिक संख्या में फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया। विश्वनाथ कॉलोनी सेवा केंद्र के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित रहा, जिसमें बीके भारती ने वृक्षारोपण के साथ साथ जीवन में मूल्यों के रोपण का भी आह्वान किया। बीके छत्रसाल भाई ने अभियान को सफल बनाने एवं वृक्षों की मॉनिटरिंग के लिए डिजाइन किए गए विशेष ऐप के बारे में जानकारी दी। ऐसे रघुनंदन विहार कॉलोनी में आर के गुप्ता गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके भारती ने कल्पतरु अभियान की जानकारी देते हुए सभी को कम से कम एक पौधा लगाने और स्वयं उसका संरक्षण करने का संकल्प कराया। इस मौके पर मुख्य रूप से सर्विस इंजीनियर आर के गुप्ता, अखंड गौरव न्यूज चैनल हेड बीके गुप्ता, पूर्व प्राचार्य गोपी चंद्र गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। अब देखते हैं खबर ग्वालियर की, जहां तानसेन नगर स्थित सहयोग गार्डन में अनार, अमरूद, पदम, शीशम व यूकेलिप्टस के अनेक वृक्ष लगाए गए। कार्यक्रम में गार्डन के मालिक राजपाल खुराना, पूर्व पार्षद ओम प्रकाश नामदेव, पूर्व आरटीओ ऑफिसर अरुण प्रकाश जुनेजा, समाज सेवी गोपाल तोमर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुधा ने कल्पतरु प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए प्रकृति के संरक्षण को हमारी जिम्मेवारी बताया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।